ऑलराइट, तो सबसे पहले तो भाई मैं आपको अपना जिम बैग दिखा दूं। तो ये मेरा जिम बैग, अभी जो है इसको करते हैं ओपन। और भाई ये आ गया अपना सैलेड। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के व्लॉग में। और गाइस, आज का जो व्लॉग है वो यहीं से स्टार्ट होता है। और भाई आज है डे 14, 100 डेज ऑफ बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का। और भाई आज जो है, आज के व्लॉग में आप देखोगे सुबह से लेकर रात तक की जो मैं मील कंज्यूम कर रहा हूँ फैट लॉस में, और साथ ही जिम चलेंगे, वर्कआउट करेंगे। और भाई आज जो है, आज की वीडियो में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि मेरे जिम बैग में क्या क्या होता है। तो व्हाट्स इन माय जिम बैग, ये भी आपको आज मैं दिखाऊंगा, बट अभी नहीं, जब जिम चलेंगे जब। ऑलराइट, सो फिलहाल जो है नीचे चलते हैं, सबसे पहली मील लेते हैं आज के दिन की, और उसके बाद जो है जिम की तैयारी करते हैं। चार्जर ले लेते हैं भाई, फोन में चार्ज कब है, चार्ज कर लेंगे। पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएंगे। अरे क्या खा रहा है तुम? ओए क्या खा रहे बाबू? एनसी बिस्किट। एनसी बिस्किट खा रहा है, मेरे को भी खिला दो। मैं जाऊं कहाँ जाऊं? गजब बेइज्जती है भाई। खाना पता नहीं किस रूप में। ओ भाई जूस वाला कहाँ गया? जूस वाले की आवाज आ रही है। A few moments later. मामा जी एक्टिवाइट को नहीं खाओ। और गाइस ये आ गया भाई आज के दिन का पहला मील है। तो ये है अपना लंच, और लंच में मैं क्या ले रहा हूँ, एक कटोरी दाल है, साथ में इसी कटोरी से चावल है एक कटोरी, और है मिक्स वेजिटेबल सब्जी। और ये भाई मेरी डाइट खाने वाला बंदा बैठा है सामने, ये देखो खाओगे? सो भाई खाना जो है मैंने खा लिया, और क्योंकि आज ट्यूसडे है तो भाई आज नो मीट नो एग्स डे है, तो भाई आज जो है प्रोटीन का जो है थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो अभी जो है मैं एक स्कूप प्रोटीन, वे प्रोटीन लेने वाला हूँ, जिससे मेरे को तकरीबन 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। और साथ ही जो है अभी मैंने जो मील ली है उससे मेरे को तकरीबन 10 से 12 ग्राम प्रोटीन मिल चुका है। तो कुल मिला के अपना प्रोटीन का इनटेक जो है एक मील का हो जाएगा ख़त्म। तो फिलहाल जो है चलता हूँ मैं और प्रोटीन शेक लेते हैं। ऑलराइट भाई, तो अभी जो है तुम्हारा भाई एकदम रेडी है जिम जाने के लिए। और भाई आज भी जो है यही वाला एडिडास वाला ट्रैक सूट पहन के जा रहा हूँ, वैसे मैं वहाँ पे चेंज करूँगा जाके, बट पहन के यही जा रहा हूँ। और भाई जैसा कि मैंने बोला था कि मैं आपको दिखाऊँगा कि मैं अपने जिम बैग में क्या क्या रखता हूँ, तो अभी जो है मैं आपको दिखाता हूँ। सो ऑलराइट, तो सबसे पहले तो भाई मैं आपको अपना जिम बैग दिखा दूं। तो ये मेरा जिम बैग है, वैसे जिम बैग नहीं भाई, मेरा सारा बैग यही है, मैं हर जगह इसी को यूज़ करता हूं, जिम में भी और कहीं पे छोटी मोटी ट्रिप पे जाता हूं तो भी इसी को यूज़ करता हूं मैं। तो ये है नाइकी का, और भाई बहुत ही सही मतलब डफल है छोटा सा। तो अभी जो है इसको करते हैं ओपन। एक हाथ से भाई व्लॉग में और एक हाथ से ये, तो भाई ये खुल गया अपना जिम बैग। ऑलराइट, तो एक एक चीज़ जो है मैं आपको दिखाता हूँ। सो सबसे पहले जो है अभी मैं लेके जाता हूँ ये शेकर, जिसमें कि है 35 ग्राम वे प्रोटीन। तो 1.5 स्कूप जो है इसमें वे प्रोटीन है, जो कि मैं इसको लेके जाता हूँ और वहाँ पे जो है इसमें पानी डाल के, और आफ्टर वर्कआउट मैं जो है इसको कंज्यूम करता हूँ। तो क्योंकि इसमें जो है वे प्रोटीन मैं डाल के लेके जाता हूँ, तो इसको भाई वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकता एज अ वाटर बॉटल, तो इसको रखते हैं साइड। और उसके बाद यह आ गया वाटर बॉटल, जो कि है मसल ब्लेज का। तो भाई ये अपना प्रोटीन वगैरह मंगाया था मैंने, तो क्रिएटिन के साथ ये फ्री आया था, तो इसको एज अ वाटर बॉटल मैं यूज़ करता हूँ जिम के अंदर। और वैसे भाई बहुत ही कम यूज़ करता हूँ, क्योंकि जिम का मेरे को वही बेस्ट लगता है कि भाई बार बार जब आप जाओ ना पानी पीने, तो उसी में मज़ा आता है। और प्लस मैं गर्म पानी पीता हूँ जिम में, तो इसमें जो है इसको बहुत कम ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि गर्म पानी जो है ज़्यादा देर तक प्लास्टिक बॉटल में रखना भी नहीं चाहिए, बट फिर भी रख लेता हूँ मैं बैग में इसको।
और भाई अभी जो है टी शर्ट है ये, जो कि मैं जाके वहाँ चेंज करने वाला हूँ। तो ये HRX की टी शर्ट है येलो कलर की, इसको भी रखते हैं साइड। उसके साथ जो है आज भाई ये शॉर्ट है अपना नाइकी का, तो आज जो है वर्कआउट मैं शॉर्ट में करने वाला हूँ। तो ये आ गया अपना नाइकी का शॉर्ट है, इसको भी कर देते हैं साइड। एंड उसके अलावा जो है भाई एटलीस्ट एक टी शर्ट जो है मैं एक्स्ट्रा कैरी करता हूँ, ताकि अगर यू नो टी शर्ट वगैरह गीली हो जाती है तो भाई बहुत दिक्कत होती है, और वैसी सर्दियों का टाइम चल रहा है, तो एक टी शर्ट जो है मैं हमेशा एक्स्ट्रा कैरी करता हूँ। तो ये है एक एक्स्ट्रा टी शर्ट। और उसके बाद भाई ये है ये जिम, ये बैग में पड़ा ही रहता है। वैसे मैं इसको डांस में जब अपन रील्स वगैरह बनाते हैं तो इसको यूज़ करता हूँ, तो ये इसमें पड़ा ही रहता है, कहने का मतलब है। और क्या क्या है इसमें, और आजकल भाई ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है कि आजकल टोपी कैरी करनी पड़ रही है, तो टोपी भाई कैरी करता हूँ मैं। अगर ज़्यादा लग रही हो ठंड तो मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ, नहीं तो इसी में पड़ी रहती है। एंड अगेन इट्स अ रील थिंग, तो ये भी भाई रील के लिए यूज़ करता हूँ कभी कभी, तो बैग में पड़ा ही रहता है। साथ में भाई ये है अपने वर्कआउट का जो साथी है वो ये है, और ये है ईयरबड्स। और भाई इसकी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जिम के अंदर। अरे भाई खुल जा। तो भाई ये जो है मतलब बेस्ट पार्टनर है मेरे जिम का भाई, इसी से जो है फोकस अपना बना रहता है, और ऑल द टाइम म्यूज़िक सुनते रहते हैं और भाई बूस्ट मिलता रहता है। तो ये है ईयरबड्स। और भाई क्या है, और तो बस ये कुछ बिल्स वगैरह पड़े हैं, इधर उधर कभी सामान वगैरह लेना होता है तो उसका बिल्स वगैरह इसी में रख देता हूँ। और साथ में ये पड़ी हुई है भाई दवाई, ये है ओमी, तो ये कभी कभी ब्लोटिंग वगैरह या गैस वगैरह के लिए यूज़ करता हूँ मैं, अगर ज़्यादा हो जाता है तो। सो कुल मिला के भाई यही जो है अपने बैग में रहता है। तो अब इसको फटाफट करते हैं रीपैक और निकलते हैं जिम के लिए। और भाई ये आ गया अपना सैलेड, और जो वे प्रोटीन है वो मैंने जिम में पी लिया था, और अभी जो है सैलेड खा रहा हूँ मैं। टाइम हो रहा है 8:30। सो भाई अभी जो है मैं आ गया हूँ ऊपर सैलेड खाने के बाद, और भाई चाय पीने का मन कर रहा था तो भाई चाय जो है बनवा के मंगा ली मैंने कड़क सी, और साथ में जस्ट अभी लैपटॉप ऑन किया है तो देखते हैं कुछ मूवी वगैरह मिल जाए तो। और भाई चाय भी पी सकते हैं अपन अपनी डाइट में, फैट लॉस में कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है भाई। 1 hour later। और गाइस ये आ गया भाई अपना डिनर, और डिनर में मैं क्या खा रहा हूँ, तो आज है ट्यूसडे, तो भाई ट्यूसडे में जो पनीर का सोर्स है अपना, सॉरी प्रोटीन का सोर्स है, वो है पनीर। तो भाई ये पनीर की सब्जी है, मटर पनीर, साथ में जो है थोड़े से चावल है, और भाई एक तो ले रखी तुम्हारे भाई ने पूड़ी, पूड़ी बनी हुई थी तो भाई पूड़ी कैसे छोड़ दें, तो एक पूड़ी ले रखी है मैंने। और साथ में ये है दाल भर के पराठा, मतलब ये पराठा है और इसके अंदर जो है दाल भरी हुई है, तो भाई प्योर देसी डाइट। और अभी जो है भाई मूवी डाउनलोड कर रहा हूँ मैं, द पेल ब्लू आई, तो डाउनलोड जाती है उसके बाद देखते हैं इसको भी। सो गाइस क्या हुआ था, वाईफाई नहीं चल रहा था तो भाई मूवी डाउनलोड हो ही नहीं, तो मूवी मैं देख ही नहीं पाया, और मैं व्लॉग एडिट करने में लग गया, और भाई एडिट भी हो चुका है, एंड पार्ट आ चुका है, तो व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। सो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना, नीचे जो रेड कलर का बटन है उसको दबा देना, उसके बगल में घंटे का आइकन होगा उसको भी नोटिफिकेशन ऑल पे टिंग कर देना। ऑलराइट सो गाइस मिलते हैं कल सुबह, day 14 100 डेज ऑफ बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का यहीं पे आज एंड होता है, कल मिलेंगे 15वें दिन में, तब तक के लिए बाय बाय।